ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार डंपर से टकराई है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। तो घायलों की हालत गंभीर है, इलाज उनका जारी है और मृतकों में 5 महिलाएं शामिल हैं। तो महाराष्ट्र की रहने वाली थी सभी महिलाएं। घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार डंपर से टकरा गई और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। तो 2 घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज जारी है। मृतकों में 5 महिलाएं शामिल हैं। तो महाराष्ट्र की रहने वाली थी ये महिलाएं और इस पूरे घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। तो तरुण भड़ाना हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। तरुण, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, यमुना एक्सप्रेसवे से ये बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें जो ओवरलोड ट्रक था हाईवे पर था, पीछे से पिकअप गाड़ी ने टक्कर मारी थी, जिसमें जो ओवरलोड वाहन जो ट्रक था वो तेजी से बताया जा रहा था, चलना बताया जा रहा था। पिकअप से जो पुणे के लोग हैं, एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हुई है यमुना एक्सप्रेसवे पर, और जिसके पास आसपास लोगों में भी डर का माहौल पैदा हुआ, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पर तेजी से वाहन चलते हैं, इस पर कोई भी अंकुश लगाने के लिए भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। लेकिन आज जिस तरह ये जो पूरा परिवार है, पुणे से बताया जा रहा है, पुणे के रहने वाले थे परिवार के लोग, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौके पर ही मौत हुई है। हालांकि जो पुलिस है वो मौके पर है, जांच पड़ताल में जुट गई है। हालांकि जो ट्रक ड्राइवर है मौके से फरार बताया जा रहा है, और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ट्वीट कर इसमें दुख जताया है और शोक प्रकट किया है। तो हालांकि लगातार जो हादसों का जो एक्सप्रेसवे है वो बढ़ता जा रहा है, हादसे बढ़ते जा रहे हैं एक्सप्रेसवे पर, तो इस पर किसी प्रकार भी कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने सब को कब्जे में लेने की तैयारी कर ली है और जांच पड़ताल में जुटती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद तरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर बिजनौर से आपको बता रहे हैं, अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है, तो तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना चांदपुर के बाष्टा रोड की यह घटना बताई जा रही है।